देश में कल से रमजान का पावन महीना शुरू होने जा रहा है। लगभग दूसरी बार ये कोविड काल में रमजान मनाया जाएगा। इस्लाम मानने वाले लोगों के लिए ये सबसे पाक महीना होता है। चांद दिखने के बाद इस पावन महीने की शुरुआत होती है। इंदौर में सहरी का समय सुबह 4:50 का है, जहां इफ्तार का समय शाम 6:50 का है। कोरोना की वजह से लोग परिवार के साथ ही अपने घरों में सहरी और इफ्तार करेंगे। इंदौर में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर है। सोमवार को प्रदेश में 1500 से ज्यादा मरीज मिले हैं। शहर काजी इशरत अली ने कहा कि रमजान का महीना मुसलमानों के लिए बेहद पाक महीना होता है, लेकिन पिछले साल की तरह ही कोरोना पैर पसार रहा है। इसलिए सभी मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि इस महीने में अल्लाह से दुआ में कोरोना वायरस के खात्मे की दुआ पढ़ें। कल रमजान महीने का पहला रोजा होगा और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये रमजान के महीने का एक एक पल बहुत ज़्यादा कीमती होता है। कोरोना गए साल देखा तो पूरे रमज़ान महीने जिस तरह से गुजारे हैं, अल्लाह ताला से तमाम दुनिया के मुसलमान ख़ास तौर से ये दुआ करें, अपनी दुआओं में ये भी शामिल करें कि कोरोना का जो वबा है, जो वायरस है, ये हमेशा के लिए इस ज़मीन पर ख़त्म हो जाए। और इंदौर के तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा, इससे बचने का अभी फ़िलहाल वही तरीका तो यही है कि सब टीके लगवाएं, किसी भी तरह की गलतफहमी में ना आए, क्योंकि टीका लगने के बाद ही कुछ हद तक इस वबा से हम बच सकते हैं।